हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है इस नए वीडियो में। दोस्तों, मेरे हाथ में आप जो बॉक्स देख रहे हैं गूगल पिक्सल 6a का ये बॉक्स है और इसकी आज हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं। तो इस वीडियो को पूरा देख लीजिए ताकि आपको क्लियर हो जाए कि ये फोन किस तरीके का दिखता है, इसमें क्या क्या इनबॉक्स आपको मिलता है और ये फोन किस तरह का है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ से सील लगी हुई है, उसको मैं ओपन करने के बाद नॉर्मली इस तरीके से मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। और इससे पहले मैं आपको बता दूँ कि ये जो वेरिएंट है वो 6GB 128GB का वेरिएंट मैंने परचेज किया है और ये फ़ोन मैंने 29,729 रुपये में परचेज किया है फ्लिपकार्ट से। यहाँ पर आपको फ़ोन इस तरीके से दिखाई देगा और इस फ़ोन पर कुछ वाइट सा लगा हुआ है, इसको मैं हटा देता हूँ। और इसके नीचे भी आप देखेंगे तो कुछ इस तरीके का आप कुछ अलग ही डिज़ाइन का गूगल का बॉक्स दिखाई देगा। गूगल है तो कुछ नया ज़रूर करेगा। सबसे ऊपर में यदि देखेंगे तो एक सिम इजेक्टर टूल यहाँ पर मुझे दिख रहा है, बड़ा अलग सा सिम इजेक्टर टूल है गोल गोल सा, तो इसको मैं हटा देता हूँ और इस बॉक्स के अंदर देख लेता हूँ इसके अंदर मुझे क्या मिलता है। यदि इसके अंदर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको कुछ पढ़ने लिखने के लिए पुस्तकें मिल जाएगी। जिससे कि वो देखेंगे तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि मुझे यहाँ पर चार्जर नहीं दिखा। आई डोंट नो, इसमें चार्जर शायद नहीं आता होगा गूगल पिक्सल्स में। तो क्या क्या मिल रहा है देख लेते हैं। सबसे पहले मैं केबल को ओपन करता हूँ। केबल को यदि ओपन करेंगे तो यहाँ पर आपको टाइप C2C केबल मिल जाएगी। तो यहाँ पर यदि इसको आपको इस्तेमाल करना है तो आपको एक अडाप्टर तो खुद से लाना ही पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर अडाप्टर तो नहीं दिया गया है। और साथ में अडाप्टर के अलावा अडाप्टर भी ऐसा होना चाहिए जिसमें टाइप सी का ही पोर्ट हो। तो इस तरीके का आपको अडाप्टर एक खरीदना पड़ेगा, तो गूगल ने ऐसा दिया हुआ है। और इस बॉक्स को मैं लेता हूँ तो यहाँ पर अब कुछ नहीं है क्योंकि मैंने इसको ले लिया है। तो ये आपको OTG केबल इन लोगों ने दी हुई है तो अच्छी बात है, यहाँ पर कुछ नया मिला है। लेकिन इस नए के चक्कर में हमको अडाप्टर नहीं मिला है, तो धीरे धीरे करके सारी चीज़ें खत्म होती जा रही है बॉक्स के अंदर। और इसीलिए इसका जो बॉक्स है वो भी काफ़ी छोटा सा बॉक्स है, आप मानेंगे नहीं, बहुत छोटा बॉक्स है ये। मतलब नॉर्मली हमारे जो फ़ोन होते हैं वो तो फ़ोन ही इतने बड़े होते हैं जितने कि इसका बॉक्स आया हुआ है। तो काफ़ी छोटा सा बॉक्स और फ़ोन भी काफ़ी स्लिम सा ही, छोटा सा ही दिख रहा है। तो चलो इसको हम लोग का फ़ोन को देख लेते हैं। फ़ोन को देखने के लिए मैं हटा देता हूँ फटाफट से। कागज़ को हटा देने के बाद कुछ इस तरीके का फ़ोन हमें मिलता है। और ये फ़ोन के पीछे में भी देखेंगे आप यहाँ पर तो आपको एक बहुत अच्छा सा गूगल की ब्रांडिंग दिखती है और नीचे पर लिखा हुआ है मेड इन वियतनाम। तो क्योंकि ये गूगल का प्रोडक्ट है तो इसलिए वियतनाम लिखा हुआ है। ये जो कलर मैंने परचेस किया है ये चारकोल ब्लैक परचेस किया है। इसके अलावा एक और कलर अवेलेबल है, वो भी आप परचेस कर सकते हैं। ऊपर की ओर एक लंबा सा कैमरा मॉड्यूल आपको यहाँ पर मिलता है जिसमें दो कैमरा मिलते हैं। कैमरे की बात करेंगे तो फर्स्ट जो कैमरा है वो प्राइमरी कैमरा है जो कि 12.2 मेगापिक्सल का है और दूसरा वाला जो वाइड एंगल वाला कैमरा है वो 12 मेगापिक्सल का है। तो इस तरीके के दो कैमरा आपको यहाँ पर मिलते हैं। और यहाँ पर यदि आप देखेंगे तो एक फ्लैश लाइट भी आपको यहाँ पर मिल जाती है। यदि इसकी बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो काफ़ी मजबूत सा ये फ़ोन मुझे दिखता है। इसका जो बैक है वो ग्लास का है और साथ ही साथ ये जो कॉर्नर्स हैं ये सारे मेटल के बने हुए हैं, तो इसलिए इसका जो लुक है वो काफ़ी प्रीमियम लगता है और हाथ में पकड़ने में भी काफ़ी फ्लैगशिप स्मार्टफोन ये लगता है। तो यहाँ पर आपको पावर लॉक और अनलॉक की बटन ऊपर की ओर मिलती है जो कि राइट साइड में है, और नीचे की ओर आपको वॉल्यूम अप एंड डाउन की बटन मिलती है जो कि थोड़ा सा उल्टा है। नॉर्मली फ़ोन में ये ऊपर और नीचे होता है। तो ये राइट साइड की बात हो गई। अब लेफ्ट साइड में यदि हम इसको पलटते हैं तो यहाँ पर सिम का ट्रे आपको मिल जाता है। तो इसको मैं ओपन करके भी देख लेता हूँ कि इसमें किस तरीके की सिम आप लगा पाएंगे। तो जी हाँ, यहाँ पर आप ओपन करेंगे तो यहाँ पर आपको हाइब्रिड सिम स्लॉट नहीं मिलेगा, यहाँ पर आप एक ही सिम इस्तेमाल कर पाएंगे। और साथ ही साथ यहाँ पर रबर का कुछ तो लगा हुआ है जिससे कि पानी इसके अंदर नहीं जाएगा। यदि पानी की बात करेंगे तो बिल्कुल ये वाटर असिस्टेंट फ़ोन है। इसकी IP रेटिंग जो है IP67 इसकी रेटिंग है। और यदि इसको थोड़ा बहुत आप पानी में डाल देते हैं तो इसको कोई दिक्कत नहीं होने वाली। 10-15 मिनट भी यदि आप इसको डाल देंगे पानी में तो इसको कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। यदि इसको नीचे से आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको दो स्पीकर्स मिल जाते हैं। ये जो दो स्पीकर है आपको अच्छे साउंड देने के लिए काम में आने वाले हैं। साथ साथ बीच में यदि आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको टाइप सी का जो चार्जर है वो आप यहाँ पर कनेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक पोर्ट दिया हुआ है। लेकिन क्योंकि इनने चार्जर तो दिया ही नहीं हुआ है। यदि इसकी चार्जिंग की बात निकली है तो बैटरी की बात और कर लेते हैं। 4410 mAh की बैटरी मिलती है। ये तो गूगल ही जाने कि 10 mAh की ज़्यादा बैटरी उन्हें हमें दी है। और साथ ही कैमरे में 0.2 मेगापिक्सल ज़्यादा दिया है, तो ये महिमा है गूगल की जो थोड़ा थोड़ा ज़्यादा वो दे रहे हैं। यहाँ पर जो चार्जिंग सपोर्ट है वो सिर्फ 18 वाट का आपको मिलेगा, 33 वाट का चार्जिंग सपोर्ट आपको यहाँ नहीं मिलेगा। चलिए इसको मैं ऑन कर लेता हूँ और ऑन करने के साथ साथ हम बात कर लेते हैं इसकी डिस्प्ले की। यहाँ पर आपको 6.1 इंच का OLED डिस्प्ले मिलने वाला है। और यहाँ पर आपको दो इंपॉर्टेंट चीज जो देखने को मिलेगी वो है, पहला यहाँ पर पंच होल डिस्प्ले आपको मिलेगा और दूसरा आपको यहाँ पर इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट भी मिलने वाला है।
इसके अलावा यहाँ पर 60 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट दिया गया है जो कि फ्लैगशिप फ़ोन्स के हिसाब से थोड़ा सा कम है। यदि आप नॉर्मली 28,000-30,000 का फ़ोन परचेस करते हैं तो आपको 120 हर्ट्ज़ तक का रिफ्रेश रेट मिलता है, लेकिन ये गूगल है भाई, ये थोड़ा थोड़ा कम कम देते हैं और शायद इनके थोड़ा कम में भी काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस मिलता है। तो यदि इसकी परफॉर्मेंस की बात की है तो हम बात कर लेते हैं इसी प्रोसेसर की। गूगल का अपना जो प्रोसेसर है गूगल टेंसर, वो आपको यहाँ पर इसमें मिलता है जो कि काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस आपको दे सकता है। तो हमारा फ़ोन बूट हो चुका है और यदि यहाँ पर आप उसके पूरे इंटरफेस की बात करेंगे तो यहाँ पर आपको गूगल का अपना इंटरफेस मिलता है क्योंकि ये स्टॉक एंड्रॉयड यहाँ पर है। ये अभी एंड्रॉयड 12 पर रन कर रहा है, लेकिन आने वाले समय में यदि एंड्रॉयड 13 आता है 14 आता है तो आप वो सारे अपडेट्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। और इसके अलावा जो इसका स्टॉक एंड्रॉयड है वो काफ़ी अच्छा है। इसके अलावा इसके जो कंट्रोल्स हैं वो भी काफ़ी खूबसूरत से दिखते हैं और ये थीम भी मुझे काफ़ी पसंद आई है। इसका जो थीम है ब्लैक ऑन ये हल्का सा पर्पल जो कलर है। यहाँ पर जो फ्रंट कैमरा है वो 12 मेगापिक्सल का है जिससे काफ़ी डिसेंट क्वालिटी के अच्छे फोटोग्राफ्स आते हैं। और ये जो अभी आप फोटोज देख रहे हैं ये इसके फ्रंट कैमरे से लिए गए हैं और यहाँ पर ये अब जो फोटो आप देख रहे हैं इसके पोर्ट्रेट मोड से मैंने लिया है। तो काफ़ी अच्छी तरीके से बैकग्राउंड को इसने ब्लर किया है और जो कलर्स भी हैं वो काफ़ी अच्छी तरीके से दिखाई दे रहे हैं। तो हालांकि ये 8 मेगापिक्सल ज़रूर है लेकिन इसकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छा है। अभी आप जो फोटो सैंपल्स देख रहे हैं ये इसके रियर कैमरा से मैंने लिए हैं और रियर कैमरा के जो सैंपल्स हैं वो भी मुझे काफ़ी चौंकाने वाले दिख रहे हैं। काफ़ी अच्छी क्वालिटी के फोटोज़ यहाँ पर आए हैं और जो कलर्स हैं वो भी काफ़ी अच्छी तरीके से निखर के आ रहे हैं और उनकी क्लियरिटी भी काफ़ी अच्छी है। ये जो फोटो आप अभी देख रहे हैं ये मैंने पोर्ट्रेट मोड से लिया है, तो पोर्ट्रेट मोड में भी बैकग्राउंड काफ़ी अच्छी तरीके से ब्लर किया गया है और जो एजेस हैं वो भी क्लियरली आपको दिखती है कि कहाँ पर इसकी एजेस है और कहाँ पर बैकग्राउंड्स है। यहाँ पर यदि मेरे फेस को आप देखेंगे तो यहाँ पर काफ़ी सारे दाग धब्बे आपको फेस पर दिखाई देंगे। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर आपको कोई फिल्टर करके ये फोटोज़ नहीं मिलते हैं, बिल्कुल क्लियर जैसा आपका फेस है वैसा ही फेस आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर कोई इस फोटो में यदि आप देखेंगे तो मैंने पीछे बैकग्राउंड में कुछ ग्रीनरी रखी हुई है और ये ग्रीनरी जो है वो काफ़ी नज़दीक में मैंने रखी हुई है, लेकिन इसने इसको डिटेक्ट कर लिया है कि ये बैकग्राउंड है और इसको प्रॉपर तरीके से ब्लर। तो दोस्तों ओवरऑल यदि हम बात करें इस फ़ोन की तो मुझे ये फ़ोन काफ़ी पसंद आया है, काफ़ी अच्छा लगा है। मेरा रीज़न इसका ये है क्योंकि इसमें कोई ज़्यादा कटौतियाँ आपको देखने को मिलती है। हालांकि आपको 30,000-32,000 या 29,000 तक इसमें पेमेंट आपको देना पड़ेगा, पैसा देना पड़ेगा, लेकिन ये एक अच्छा फ्लैगशिप फोन है। इसका प्रोसेसर भी अच्छा है, इसका डिस्प्ले भी काफी अच्छा ओलेड डिस्प्ले है। इसके अलावा स्पीकर्स की बात करिए तो वो भी अच्छा साउंड आपको यहाँ पर देते हैं, तो काफी सारी चीजें अच्छी हैं। और इसके अलावा सबसे अच्छा जो इसमें है वो कैमरा है, तो इस फोन को आप बिल्कुल कंसिडर कर सकते हैं। सिर्फ थोड़ी सी कंजूसी जो मुझे लगती है वो इसके चार्जिंग में लगती है क्योंकि ये 18 वाट तक का सिर्फ चार्जिंग सपोर्ट करता है। इसके अलावा जो इसका रिफ्रेश रेट है वो 60 हर्ट्ज़ तक का है, तो कोई ये बहुत ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। और इसका जो 60 हर्ट्ज़ है वो दूसरे जो स्मार्टफोन से उनसे काफ़ी बेहतर है यदि हम दूसरे फ़ोन के 60 हर्ट्ज़ से बात करें। तो इस तरीके से ये कोई बहुत ज़्यादा बड़ी बातें नहीं होती है और इन छोटी छोटी बातों को हम इग्नोर कर सकते हैं क्योंकि एक अच्छा फ्लैगशिप फ़ोन है और एक वाटर असिस्टेंट और डस्ट असिस्टेंट भी ये फ़ोन है। तो बिल्कुल आप इस फ़ोन को यदि परचेस करना चाहते हैं और आपको ये लेना है तो आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। इसको 10-15 दिन इस्तेमाल करने के बाद फिर से एक वीडियो लेके आऊँगा और डिटेल में आपको बताऊंगा कि इसका परफॉर्मेंस कैसा रहा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसके अलावा हमें आपके सपोर्ट की भी ज़रूरत है 1000 सब्सक्राइबर पूरा करने के लिए, तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ साथ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो और मुझे कमेंट करके बताइए कि क्या ये फ़ोन आप परचेस करने वाले हैं और यदि आपने परचेस किया है या गूगल का कोई पिक्सल फ़ोन आपने चलाया है तो उसका कैसा परफॉर्मेंस रहा है ताकि और लोगों को मदद मिल पाए। इसके अलावा आप ये भी बताइए कि यदि हम 29,000-30,000 रुपये खर्च कर रहे हैं तो इसके अलावा कौन सा अच्छा स्मार्टफोन है जो हम लोग परचेस कर सकते हैं, तो प्लीज़ कमेंट में बताइए। सो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। बाय बाय एवरीवन।